श्रीवास्तव बने भारतीय जन मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, राज्य में पार्टी के विस्तार की होगी जिम्मेदारी। भारतीय जन मोर्चा ने मनोज श्रीवास्तव को महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने उनके कंधों पर राज्य में अपनी विचारधारा को बढ़ाने की जिम्मेदारी रखी है, साथ ही राज्य में पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ना भी होगा। बता दें कि भारतीय जन मोर्चा का गठन 2017 में भोपाल में हुआ था। मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ पार्टी का गठन किया गया था, जिसका विस्तार हम महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में करेंगे। अपनी नियुक्ति पर मनोज श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं टीवी एन इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतीय जन मोर्चा पार्टी, ये 2017 से कार्यरत है, पूरे देश में काम कर रही है। और भारतीय जनता जन मोर्चा पार्टी जो है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये पद के लिए नियुक्त किया है और इस लायक समझा। मुझे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। मेरा काम यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक मैं महाराष्ट्र भारतीय जन मोर्चा पार्टी के विचारधारा को पहुँचा सकूँ और लोगों को जोड़ सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के जो समस्याओं को मैं अपने भारतीय जन मोर्चा पार्टी के माध्यम से शासन और प्रशासन के तक पहुंचा सकूं और उसका एक सही उपाय निकाल सकूं, मतलब उसका एक समाधान निकाल सकूं। और मैं जनता से यही आवेदन करूंगा कि अगर आप निष्पक्ष राजनीतिक चाहते हो तो भारतीय जन मोर्चा पार्टी से जुड़ें। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी हर समस्याओं को हम शासन तक, प्रशासन तक लेके जाने के लिए आपके साथ में हमेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।